अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अब हमारे बीच मोहतरमा यामिनी यादव साहिबा हैं, वो भी कुछ बात करना चाहती हैं, इस मौके पर कुछ सुनाना भी चाहती हैं, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ उनको बोलने का मौका देना चाहिए। आइए बोला। मंच पर उपस्थित माननीय, थोड़ा सा आवाज़ मेरा बहुत ज़्यादा भारी है, शायद सेना की आवाज़ है, और सामने बैठे हुए मेरे भाई और सारी बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, ये कुछ बात नहीं हुई। मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला तो कितना ज़ोर से आना चाहिए। यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आज एक्चुअली मिस्टर यशवंत यादव यहाँ पे, उनको दावत थी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि वो कहीं उनको अर्जेंट रात को ही निकलना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो उनकी जगह मैं चली आई हूँ। और मिस्टर यशवंत यादव के बारे में अगर कहना चाहूँगी, बाबा तो मेरे सामने बैठे हैं सोहेल लोखंडवाला जी, के यशवंत यादव एक परिंदे की तरह हैं। परिंदा जो कभी गुबंद नहीं देखता, कभी मस्जिद पे जा बैठता है, कभी मंदिर पे जा बैठता है, और उनकी शरीक हयात होने के नाते मैं उनके नक्शे कदम पे चलती हूँ। उर्दू की बात अगर हम करें, डेफिनेटली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरी मदर टंग, माय बोली जिसको बोला जाता है वो मराठी है, लेकिन मैं सोचती हूँ जितनी भी भाषाएं हैं ये मेरी मासी हैं, और मराठी में ये बोला जाता है, मैं पहले मराठी में बोलूँगी फिर उसका मैं हिंदी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगी, कि माय मरो आणि मावशी जगो, इसका मतलब है भले माँ मर जाए चलेगी, लेकिन मौसी का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। और इस कदर अगर इस नज़रिए से देखा जाएगा तो उर्दू मेरी मासी है। बहुत ही खूबसूरत, मीठी और तहजीब वाली ज़बान जिसे बोला जाता है वो उर्दू है। सर, आपने कहा कि हमने कुछ करना चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही लफ्ज़ में बताऊं या एक लाइन में बताऊं, इस अंजुमन में मुझे आना है बार बार, लेकिन जिसने ये गाया था, जिसने ये लिखा था, उसने ये कहा था कि दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, ये बात मेरे से लागू नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दीवारों दर को गौर से पहचान लिया है। कल एक मुशायरे में गई थी, पहली बार मुशायरे में गई थी, एक महाराष्ट्रियन लेडी का मुशायरे में शामिल होना, उसकी पोएट्री, नगमा या शेर पेश करना मेरे लिए एक क्रांति से बढ़कर बात नहीं है। कल एक पेश किया था, आज एक पेश करती हूँ, बार बार जिक्र हो रहा है, मैं कोई और चीज़ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जिक्र बार बार हो रहा है, गए दो साल में जो कहर ढह रहे थे, जो कहर से सब गुज़र रहे थे, सारा देश गुजर रहा था, हिंदुस्तान गुजर रहा था, महाराष्ट्र गुजर रहा था, मुंबई गुजर रही थी, मेरा भाई काला गुजर रहा था, बस ये किसी का चुराया हुआ नहीं है, ये किसी का चुराया हुआ नहीं। कल एक नगमा पेश किया था, इस कोविड के दौरान जो हादसे हो रहे थे, जो अनुभव आ रहे थे, बस उसी से कुछ दिमाग में चलता गया, दिल में चलता गया, और कलम लेके कागज़ पे उतर आया।
तो बस आपकी अगर इजाजत है सर तो पेश करना चाहूंगी। आप इसे नगमा कहिए, पोएट्री कहिए, वॉट एवर नाम है। हर तरफ जो माहौल छाया था कोविड का, हर तरफ खौफ सा छाया है, हर तरफ खौफ सा छाया है, हवाओं में भी घुटन सी है। दिल करता है, दिल कतराता है साए से भी, दिल कतराता है साए से भी, क्योंकि साया भी पराया सा है। आसपास मौत का मंजर है, आसपास मौत का मंजर है, जान की कोई कीमत नहीं। किस किस के मौत पे रोए, किस किस के मौत पे रोए, रोने को कोई बचा ही नहीं। इस कदर कुदरत भी बरसती है, इस कदर कुदरत भी बरसती है, इससे अनजान और बेखबर थे। इस तरह कुदरत भी बरसती है, इससे बेखबर और अनजान थे। हरदम शबनम ही नहीं, कभी कहर के शोले भी बरसते हैं। आसान नहीं इस शय से टकराना, आसान नहीं इस शय से टकराना, मुश्किल है इस दौर से गुजरना। कोशिश तो जारी है, कोशिश तो जारी है, पर पता नहीं इस मंजिल का कहाँ है ठिकाना। कुछ तो गलत हुआ है ज़रूर, कुछ तो गलत हुआ है ज़रूर, किसका है ये कसूर, न जाने किस किस का है ये कसूर, पर अब बस हुआ। ये अल्लाह से दरख्वास्त है मेरी कि पर अब बस हुआ, अब तो रहम कर, अब तो रहम कर, ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह हुजूर, अब तो रहम कर। सबर का बांध अब टूट रहा है, सबर का बांध अब टूट रहा है, अपनों का दामन अब छूट रहा है। इस कदर न बेरहम बन, इस कदर न बेरहम बन, तू तो रहम का समंदर है, तू तो रहम का समंदर है। दुआओं में मांगते हाथ थक रहे, दुआओं में मांगते हाथ थक रहे हैं, आंखों के बहते आंसू थम गए हैं। आह तो सुन ए मेरे मौला, आह तो सुन ए मेरे मौला, झोले फट फट के तार तार हुए हैं, झोले फट फट के तार हुए हैं। तुझे जान लेनी है मेरी, तुझे जान लेनी है मेरी, बेशक ले ले तूने ही दी है, बेशक ले ले तूने ही दी है, पर इस तरह नहीं प्यार से, इस तरह नहीं प्यार से कि मरने का भी मजा आ जाए। जी इसीलिए मैंने सर आपको कहा कि इस अंजुमन में मुझे आना है बार बार। शायद शायद अगला मुशायरा जब होगा तो आप मुझे ज़रूर याद करोगे, और मैं ज़रूर यहाँ पे फ़ख्र से मेरे शरीक हयात मिस्टर यशवंत यादव इनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि सर उनकी उर्दू ज़ुबान बहुत ही साफ़ सुधरी है। शायद मेरी नहीं है तो माफ़ी चाहूँगी। एक ज़िक्र आपने किया, एक आपकी दिल की खलिश आपने यहाँ पे उसका ज़िक्र किया कि अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद में उर्दू ऑफिसर ऑफिस में जाने के बाद में अपना चोला बाहर रख देता है और अंदर जाने के बाद में इंग्लिश बोल लेता है। इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक यहाँ पे उदाहरण आपको ज़रूर देना चाहूँगी। अगर कोई कोकण से वाकिफ हो तो मालवन आपको पता है, मालवन, मालवनी जो होता है ना, ये मालवनी इंसान
लंदन में भी पहुंच जाए अगर उसको मालवनी रोड पे मिलता है तो सिर्फ मालवनी में बात करता है। तो ये सीख हमने लेनी चाहिए कि अगर मुझे कोई सामने वाला उर्दू जबान वाला मिल रहा है तो मुझे उर्दू ही बोलनी चाहिए। आपकी इजाज़त ज़रूर दूसरा एक नगमा लाया था, शायद आप पसंद करते। अगर आप इजाज़त देते तो आपके सामने वो भी पेश करती। अगर अगर वक्त की कमी है, बस दो मिनट लगता है, यामिनी जादव को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जी सर। सर ये सारे एक मेरी पोएट्री जो मैंने बनाई है कोविड पे, ये मैंने कोविड योद्धाओं को डेडिकेट की है और ई वार्ड में उसकी फ्रेम बना के लगाई गई है। ई वार्ड के जो ऑफिसर है इन्होंने फ्रेम बना के लगाई है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई रहेगी कि बहन लिखती जाओ, एक दिन आपका बुक कहीं ना कहीं पब्लिश होगा। ये भी एक कोविड से रिलेटेड है, हर एक के दिल से छू जाएगी। ये मेरा दावा है। कभी सोचा न था ऐसा भी लम्हा आएगा। मोबाइल दे। इस कोविड के दौरान हमने बहुत कुछ देखा। इस कविता का नाम ही है हमने बहुत कुछ देखा। हमने आंखों का रंग बदलते देखा, चेहरों का नूर बदलते देखा, चाहत का सुरूर बदलते देखा, अपनों को दूर होते देखा, खुद पे मगरूर होते देखा, इंसानियत को चूर होते देखा, पल में तोला पल में माशा होते देखा, पैसे वाले को भीख मांगते देखा और गरीब को मदमस्त होते देखा, पुराने को नया होते देखा, नए को गुजरते हुए देखा, दिल को पत्थर बनते देखा, पत्थर को पिघलते हुए देखा, हुस्न को बर्बाद होते देखा, इश्क को नाकाम होते देखा, जिंदगी को हारते देखा, मौत को जीतते हुए देखा, आसमां को जमी पे देखा, जमी को रोंगते हुए देखा, सब कुछ पाते हुए देखा, पाकर खोते हुए देखा, झिलमिल सितारों को देखा तो टूटते तारों को भी देखा, जहां को बसते हुए देखा, कायनात उजड़ते हुए देखा, उस पार की कुदरत को देखा तो इस पार की हकीकत को भी देखा, न जाने क्या क्या देखा कि अब देखने की कोई चाहत ही नहीं बची। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले मुशायरे में यामिनी जाधव और यामिनी नहीं यामिनी यशवंत जाधव का नाम ज़रूर रहेगा। सबको मैं बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने दिल से मेरी बात सुनी, मेरी जो पोइट्री थी सुनी। अल्लाह हाफिज़। मोहतरमा यामिनी साहब, मैंने इस शहर में 50 से ज़्यादा मुशायरे कराए और मैं अभी तक परेशान हूँ कि मुझे लेडीज़ में शायरात में कोई शायरा मिलती नहीं है, सिवाय एक लता हया या एक दो शायरा हैं शहर में। मुझे बहुत खुशी है और इस्तकबाल है आपका कि आपने मुशायरे की दुनिया में कदम रखा है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा मुशायरा जब होगा आप बतौर शायरा मेरे शरीक होंगे। धन्यवाद मैडम, खूब छान शायरी तुमची होती।